नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। हाजीपुर के वैशाली प्रखंड के एक गांव में ग्रामीणों को बाढ़ में सरकारी मदद नहीं मिलने के कारण लोग आक्रोशित हो गए हैं। वही लोगों ने बिहार सरकार और स्थानीय सत्तारूढ़ विधायक के खिलाफ जमकर नारा लगाया। हाजीपुर के वैशाली प्रखंड क्षेत्र के सलीमपुर पंचायत के हुसैनपुर गांव के ग्रामीणों ने बाढ़ में सरकारी मदद नहीं मिलने को लेकर आक्रोशित हो गए हैं। लोगों ने जमकर बिहार सरकार और स्थानीय सत्तारूढ़ विधायक के खिलाफ नारा लगाया है। विगत दिनों नारायणी नदी में आए अचानक पानी और फुल्लाड़ के नजदीक टूटे रिंग बांध के कारण हुसैनपुर गाँव पूरी तरह पानी में डूब गया। स्थानीय प्रशासन ने मदद का भरोसा दिया, लेकिन कोई मदद नहीं मिलने पर लोगों ने नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर नारेबाजी किए और अभिलंब मदद नहीं मिलने पर लोगों ने मुख्य राजपथ लालगंज वैशाली को जाम करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। बेशरम होकर के आपके जल संसाधन मंत्री साल भर बोलते हैं कि व्यवस्था हो रहा है। जल संसाधन विभाग जितने लोग बाढ़ से प्रभावित होकर मरे उसके लिए जल संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग के कर्ता धर्ता जिम्मेवार हैं, उन पर मर्डर केस होनी चाहिए क्या? बिहार सरकार पूर्ण रूपे न फेलियोर है। नीतीश कुमार जी आप अत्यंत पिछड़ा के वोट के सौदागर हैं। ये कानू का गांव है, नुनिया का गांव है। माननीय चिराग पासवान जी, ये इस गांव में 400 घर में 40% आपका पासवान समुदाय का घर है। जहां से बिहार सरकार का काम खत्म होता है वहीं से विपक्ष का और जनता का काम शुरू होता है। बिहार में विपक्ष मृत प्राय है। इसके लिए तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता भी उतना ही जिम्मेवार है जितना नीतीश कुमार जिम्मेवार है कि नहीं? अभी बिहार में सत्ता और विपक्ष दोनों का काम जनाधिकार पार्टी सुप्रीमो सांसद पप्पू यादव कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पप्पू यादव जी से हम अनुरोध करते हैं कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव फेल है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फेल है, वैशाली जिला प्रशासन फेल है। माननीय सांसद पूर्व सांसद पप्पू यादव जी से अनुरोध है कि वैशाली जिला के वैशाली थाना क्षेत्र के सलेमपुर पंचायत के 1 नंबर से लेकर के 15 नंबर वार्ड का आप मुआयना करें। पता चलेगा कि सैकड़ों घर में पानी है, डॉक्टर इस गांव में नहीं आ रहे हैं। कोई बीमार लाचार है तो उसको देखने वाला कोई नहीं, डॉक्टर नहीं आना चाहता है। देखिए ये हाई स्कूल है, सलेमपुर पंचायत का ये हाई स्कूल है, उसमें पानी भरा हुआ है। पूरा चवर देख लीजिए, पूरा गांव देख लीजिए। ये कानू समुदाय डॉक्टर नागिंदर शाह जी का घर है, सभी घरों में पानी घुसा है। ये बहु बेटियों को देखिए, कहीं शौच जाने का जगह नहीं है। इस गांव में आज तक एक नाव नहीं मिला, एक 100 ग्राम चिवड़ा बिहार सरकार की ओर से नहीं बना। और निर्लज बन के बिहार सरकार कहते हैं कि आपदा पीड़ितों का बिहार सरकार के खजाना पर पहले अधिकार है। अरे ये ना बोलो कि नौकर शाह और जितने हाकिम हैं और मंत्री हैं पहले उनका लूटने का अधिकार है, उनका अधिकार है। जनता भूखे मर रहा है, अपने बूते जीने का जनता क्या चुनाव में इसका जवाब आप लोग देंगे? नीतीश कुमार हरो, गरीब गुरुआ बिहार की जनता बचाओ, नीतीश हरो बिहार बचाओ। उत्तर बिहार को 15 साल में नीतीश कुमार बाढ़ से निजात नहीं दिलाए। लगता है कि 15 जन्म के बाद भी उनसे बाढ़ से निजात उत्तर बिहार को नहीं मिलेगा। उत्तर बिहार के लोग अपना रास्ता अपने तय करेंगे। नीतीश कुमार हाय हाय, नीतीश कुमार होश में आओ, नीतीश हराओ बिहार बचाओ, नीतीश हराओ बिहार बचाओ, बिहार बचाओ, बिहार बचाओ। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी।
महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करे विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126। संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।